केसरी निशान दसम पातशाह ने बाबा बंदा सिंह ने भगत नूं देख के तोड़ तो तोड़िया सी ते उहने इत्थे हलवाटां नूं जमीनां दे मालक बनाया सी उहने जमीनां दे मालक बनाया अज्ज चार सदियां हो गईआं इत्थे जमींदार अपनी जमीन ते हल चलाउण डिआ महाराजा रणजीत सिंह दा राज होया दिल्ली दीआं कंधां तों लै के उधर खाबर दरों तक देख लो जमीन किसानी से उन्होंने 60% जमीन की मालकी सिखा दर सी पंजाब की वंड हुई है जमीन की मालकी सिमट के 30-40% के बच्चे रह गई जब इस देश की वंड हुई तो हाकम ने सर्कुलर जारी किया कि सिख जरा इंतशाह कौम ने इन्होंने राजधानी तो 200 किलोमीटर दूर रखा जाए इसे करके करनाल तो अगर किसी सिख किसान जमीन अलाट नहीं हुई अज साडे कोल एक 200 किलोमीटर के घेरे का पंजाब बचिया अज उहदे उपर भी हाकम की नजर आ सानू कठे अंदर छलड़ना पैना अज जो इंग्लैंड के खेतीबाड़ी विभाग की एक रिपोर्ट कह रही है कि 2050 तक दुनिया में जोड़ा शुद्ध होगा पानी का रोटी खतर होगा जनसंख्या एड् तेजी वध रही है कि दुनिया के राशन पूरा नहीं आना इस करके इस दिल्ली वालों पंजाब का पानी 1955 तो लैके हूं तक लुटिया जा रहा हूं दिल्ली ने पंजाब की जमीन से अख धर ली है खेती वास्ते दो चीजा सब तो पहला जरूरी होंगे पहली होंगी मिट्टी दूजा का पानी ताकि मिट्टी ताकि जमीन थोड़े को अधी रन दी गई थोड़े को बचा पानी 1955 के गैर कानूनी तरीके के नाल हरीके पत्तन से दो नहर राजस्थान भेजिया गई जिथे बीकानेर तो अगर किसी भी खेत में पानी नहीं लगता उसे टिब्बा पानी खराब किया जा रहा इतने 10 फुट से 5 फुट का पानी अज 30 फुट तक चल गया मालवे वाले 300 फुट से पहुंच गए कोई उन्होंने पुछण वाला नहीं रावी तो नहर कट के ब्यास तो कट के सत लेके उसे चक्का खो रही हरियाणा च पानी कोई उन्होंने पुछण वाला नहीं अज पंजाब के किसान एक मुठ हो जाए पंजाब के किसानों ने दिल्ली की गुलामी अपने गले तो लहनी पैनी है वह अपने दिमाग के जरा 50,000 का झोना तो 40,000 की कणक भी एक बार कट दे उन्होंने दसा भी घाटा सोना पे तो पंजाब की जमीन ना छोड़न दुनिया के सिख पाने वास्ते एक एक धर्म है जो भी सिखों से भीड़ पैंती है सिखा का मूह पंजाब वाल हों क्यों होंगे कि गुरु पातशाह ने अमृतसर साहब करतारपुर तरन तारण खडूर साहब गोंदवाल साहब आनंदपुर साहब सारे नगर इस धरती के नसाए हैं असी इस धरती का दावा मरदे दम तक नहीं छड़ना कोई अमानी आ जाए कोई अडानी आ जाए जे दुनिया के सब तो वड्डा जमीन का इनकलाब लिया तो बाबा बंदा सिंह ने बहादुर ने लिया अज उस वारसों किसी भी गलों झगड़ा नहीं चाहिए अपने खून का आखिरी कतरा चकना रखना चाहिए पर जमीन कदे नहीं छड़नी चाहिए सानू एक गल कदे नहीं भुलनी चाहिए कि जे सिख कौम ने राज करना तो उन्होंने जमीन के मारकी कदे भी नहीं छड़नी चाहिए किसान वीर बदलवियां फसल लाने आ पशु मेल मुबार करने वाले किसान वीर ध्यान देन इतों जमुना पार जाते जे ताकि 1 रुपये की फसल ढेली की विकती है इतों ईरान जाते जे ताकि 1 रुपये की फसल 4 रुपये की विकती है अपने लीडर के गलों के अंगूठा दो कि जे तुम पंजाब च राजनीति करनी पशु वाल व्यापार करो राजस्थान का पानी डको हरियाणे का पानी डको ना गोडिया भार होगा तोड़िया मंगा मनिया तो सानू दो साड़ी वजारती जथेबंदी सच विद्यार्थी जथेबंदी सख पिछले साल से पंजाब यूनिवर्सिटी में काम कर रही है जिथे वक् वक् स्कॉलर की राय लेके एक मैनीफेस्टो तैयार किया जा रहा एक प्रोग्राम तैयार किया जा रहा जिन्होंने आने वाले समय के पंजाब के पिंड पिंड में प्रचार जाएगा जिदे किसी राजनीतिक पार्टी की दखल नहीं होगी पंजाब का हल कदे भी वोटों नाल नहीं हो सकता पंजाब का हल खुद मुख्तियारी है दिल्ली की गुलामी वाले लानी है 3 करोड़ आबादी के सिर पर 130 करोड़ वोटों का भार पा रहा अज पंजाब का व्यापारी समझे बॉर्डर से एक गोली चलती है ताकि ट्रकों के ट्रक टमाटर गल जाते हैं ट्रकों के ट्रक बंदे आलू गल जाते हैं उधर बंदे से लैके कराची तक व्यापार 1947 से लैके अज तक बंद नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्योंकि उसे गुजराती व्यापारी व्यापार करता अज देश का प्रधानमंत्री गुजराती देश का गृहमंत्री गुजराती देश का सब तो अमीर बंदा अंबानी जरा गुजराती अडानी गुजराती RBI का गवर्नर गुजराती अज देश के सारिया मछिया पोस्टा से गुजराती बंदे एक गल अपने दिमाग च स्पष्ट कर लो नरेंद्र मोदी दिल्ली का मोहरा नरेंद्र मोदी लावोगे तो होर मोदी आ जाएगा
जेड़ी भी सरकार दिल्ली च बैठेगी ओनू जे टक्कर देने वाला एक ही सूबा तो पंजाब है जिथे गुरु नानक की बाणी गूंजदी है जे ब्राह्मणवादी सत्ता नूं टक्कर दित्ती है तां पंजाब ने दित्ती है ओदी अख पंजाब की जमीन ते ओदी अख पंजाब दे पाणी ते ओदी अख पंजाब की जवानी ते जिहड़ी ओहनें नशे ते लई है पर नौजवान उठो दिल्ली नूं दस लियो कि असीं जिउंदे आ वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।